50 इजरायली बंधकों की रिहाई में नया ट्विस्ट। नेतन्याहू के करीबी ने बताया क्यों बदली तारीख। हमास आतंकियों के चंगुल से 50 बंधकों की रिहाई के मामले में ट्विस्ट आ गया है। अब ये बंधक आज यानी गुरुवार को नहीं छूट सकेंगे। इससे पहले इजरायली मंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया था कि हमास इजरायल के बीच हुई डील गुरुवार की सुबह 10 बजे से प्रभावी हो जाएगी, लेकिन बदली परिस्थितियों में बुधवार को आधी रात में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के एक शीर्ष सहयोगी ने आश्चर्यजनक घोषणा में कहा कि बंधक समझौते के हिस्से के रूप में गाजा में हमास द्वारा बंधक बनाकर रखे गए 50 इजरायली अपहरतों के पहले समूह की बहुप्रतीक्षित रिहाई गुरुवार को नहीं हो सकेगी। उन्होंने कहा कि अब यह रिहाई शुक्रवार को हो सकती है। अब शुक्रवार को रिहाई की संभावना इजरायल के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष तचाजी हानेगवी ने बीती रात एक बयान प्रसारित किया, जिसमें कहा गया है कि बंधकों के लिए बातचीत लगातार प्रगति पर है और दोनों पक्षों के बीच मूल समझौते के अनुसार रिहाई शुरू होगी, लेकिन यह शुक्रवार से पहले नहीं हो सकेगी। इजरायली अधिकारी ने कहा कि उम्मीद है कि रिहाई दस्तावेज पर अगले 24 घंटे के अंदर हस्ताक्षर हो जाएंगे और 50 बंधकों की रिहाई शुक्रवार से शुरू कर दी जाएगी। लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस। हानेगवी की बुधवार रात की आश्चर्यजनक घोषणा एक वरिष्ठ इजरायली अधिकारी के ये कहने के कुछ घंटों बाद आई कि लगभग 50 इजरायली बंधकों की रिहाई गुरुवार से शुरू होगी। बुधवार शाम पत्रकारों के साथ ब्रीफिंग में हमास ने भी सौदे के विवरण की पुष्टि की थी। इस ब्रीफिंग में हमास के वरिष्ठ अधिकारी मौसा अबू मरजोक ने घोषणा की थी कि डील गुरुवार को सुबह 10 बजे से प्रभावी होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री नेतन्याहू, रक्षा मंत्री योव गैलेंट और युद्ध कैबिनेट मंत्री बेनी गेंट्स ने बुधवार शाम सऊदी की खुफियों पर एक लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। गाजा पट्टी पर सैन्य अभियान जारी रहेंगे। हारेट्स की रिपोर्ट के अनुसार एक इजरायली सूत्र ने यह भी कहा है कि हमास से हुए समझौते के अनुसार गाजा पट्टी में चल रही लड़ाई में 4 दिनों का युद्ध विराम बरकरार रहेगा, लेकिन इसे जब तक अंतिम रूप नहीं दिया जा सकता तब तक गाजा में इजरायली सैन्य अभियान जारी रहेगा। आपको बता दें कि इजरायल हमास युद्ध का आज 48वां दिन है। गाजा पट्टी में अभी भी इजरायली फौज हमास के ठिकानों को जमींदोज कर रही है। रिहा होने वाले बंधकों के नाम उजागर नहीं। इस बीच बंधकों की रिहाई में देरी उन परिवारों के लिए एक झटका है जो अपने अपहृत बच्चों, जीवन साथी, बेटियों और बहनों को हमास के बंधकों के कब्जे से लगभग 50 दिनों के बाद वापस लौटने की बेसब्री से राह देख रहे हैं। इजरायली सरकार ने अभी तक रिहा होने वाले बंधकों की सूची प्रकाशित नहीं की है। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि मोसाद प्रमुख डेविड बार्निया को रिहाई के लिए निर्धारित बंधकों के पहले मैच की लिस्ट मिल चुकी है।